सनसनी ऑफ इंडिया। आर के पुरम क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज की टीम ने जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा करते हुए दो आरोपियों को दबोच लिया है। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जिम का पुराना मैनेजर इंद्रवर्धन शर्मा निकला है। आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा ने लंबे समय तक जिम में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया था और साथ ही अपनी गाड़ी कमाई का पैसा भी कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया था, लेकिन वर्ष 2017 में हिसाब मांगने पर मृतक अग्रवाल ने आरोपी शर्मा के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया था। घटना के बाद आरोपी शर्मा की मां इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और चल बसी। उसी दिन से आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा मृतक महेंद्र अग्रवाल से रंजिश रखने लगा और उसे खत्म करने की योजना बनाने लगा। योजनानुसार चेहरा ढककर दिनांक 31 दिसंबर की शाम आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा ने अपने दो दोस्त रवि कुमार तोमर व विजय के साथ मिलकर जिम के अंदर घुसकर महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फरार होते समय आरोपी क्राइम सीन से सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए थे ताकि उनकी पहचान न हो सके, लेकिन क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज की टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए 20 दिन के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करके आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोदी नगर उत्तर प्रदेश निवासी व पूर्व जिम मैनेजर 36 वर्षीय इंद्रवर्धन शर्मा व मुजफ्फरनगर निवासी 30 वर्षीय रवि कुमार के रूप में हुई है। विजय नाम का तीसरा आरोपी फरार है, जिसको दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 31 दिसंबर की शाम लगभग 7:30 पर पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना इलाके के विकास मार्ग स्थित एनर्जी जिम के मालिक 45 वर्षीय महेंद्र अग्रवाल को तीन बदमाशों ने एनर्जी जिम के फर्स्ट फ्लोर के ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई थी। सूचना मिलते ही प्रीत विहार थाना पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। पीड़ित परिवार का रो रोकर बुरा हाल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए थे। पूर्वी दिल्ली डीसीपी अमृता गुगुलत ने बताया था कि एनर्जी जिम के मालिक महेंद्र अग्रवाल अपने ऑफिस में थे, इसी दौरान हथियारों से लैस तीन बदमाश ऑफिस में दाखिल हुए और उन्होंने एक के बाद एक तीन गोली महेंद्र अग्रवाल पर चला दी। एक गोली महेंद्र अग्रवाल के सिर पर लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बदमाश भागते वक्त ऑफिस में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए ताकि उनकी पहचान न हो सके। वारदात के 15 दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस अपराधियों का कोई सुराग नहीं खोज पाई थी। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में पुलिस को लेकर रोष पैदा होने लगा था। मामले की गंभीरता और ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने के लिए रविंद्र सिंह यादव विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम ने आर के पुरम क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज को जिम्मेवारी सौंपी। जिम्मेवारी मिलते ही जॉइंट सीपीएसडी मिश्रा और अमित गोयल डीसीपी क्राइम ने उमेश बर्थवाल एसीपी की क्लोज सुपरविजन व इंस्पेक्टर विवेक मलिक के नेतृत्व में एसआई सम्राट खतियान, मुकेश, हेड कांस्टेबल राम नरेश घनश्याम और कांस्टेबल आशीष की एक फेक टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही आर के पुरम क्राइम ब्रांच नई दिल्ली रेंज की टीम ने सबसे पहले क्राइम सीन को फिर से खंगाला। क्राइम सीन से सीसीटीवी डीवीआर गायब था, लेकिन जांच में इंस्पेक्टर विवेक मलिक को क्राइम सीन के पास एक वाईफाई कैमरा मिला, जो कि अभी तक स्थानीय पुलिस की नजर में नहीं आया था। वाईफाई कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लाउड सर्वर में सेव हो रही थी। टीम ने क्लाउड सर्वर से क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज रिकवर करके जांचा तो क्राइम सीन पर हाथ में हथियार लिए दो नकाबपोश दिखाई दिए। इंस्पेक्टर विवेक मलिक के नेतृत्व में एक टीम मृतक के दोस्तों, परिवारजनों, रिश्तेदारों, जिम में आने जाने वाले व जिम में कार्यरत कर्मचारियों की हिस्ट्री स्कैन करने लगी, लेकिन कुछ भी सस्पेक्ट नहीं मिला। जांच में क्राइम टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि मृतक महेंद्र अग्रवाल ने जिम के अंदर वाईफाई कैमरा हाल फिलहाल में लगवाया था, लेकिन डीवीआर वाले सीसीटीवी कैमरे काफी सालों से जिम में लगे हुए थे। क्रिमिनल अपनी पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी डीवीआर अपने साथ ले गए थे, लेकिन वाईफाई कैमरे को छुआ तक नहीं था। इससे उमेश बर्थवाल एसीपी ने एक बात का तो अंदाजा लगा लिया था कि वारदात को अंजाम किसी ऐसे करीबी ने दिया है जो काफी समय से मृतक से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल फिलहाल में जिम में नहीं आया है। उमेश बर्थवाल एसीपी के दिशा निर्देश पर इंस्पेक्टर विवेक मलिक की टीम ने मृतक महेंद्र अग्रवाल के अतीत को खोदना शुरू कर दिया। मृतक अग्रवाल का अतीत खोदते खोदते टीम वर्ष 2017 में पहुंच गई। वर्ष 2017 में मृतक महेंद्र अग्रवाल और उनके पुराने मैनेजर इंद्रवर्धन शर्मा के बीच पैसों के हिसाब को लेकर काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। उस समय मृतक अग्रवाल ने अपने मैनेजर इंद्रवर्धन शर्मा के खिलाफ थाना प्रीत विहार में एफआईआर संख्या 108/2017 धारा 365, 384/323, 341/506 आईपीसी के तहत अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद इंस्पेक्टर विवेक मलिक को लगा क्यों न पुराने मैनेजर इंद्रवर्धन शर्मा को टटोला जाए।
टीम का शक और उस समय यकीन में बदल गया जब जांच में पता चला कि जिम का पुराना मैनेजर इंद्रवर्धन शर्मा वारदात के दिन से ही फरार है और बार बार ठिकाने बदल रहा है। सस्पेक्ट इंद्रवर्धन शर्मा की तलाश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कई जगह छापेमारी की गई। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से सस्पेक्ट इंद्रवर्धन शर्मा की एक्टिविटी और मूवमेंट पर नजर रखनी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सस्पेक्ट शर्मा के परिवारजन व करीबियों के सभी नंबर ट्रेस करके अपने पास रखे और हर नंबर की बातचीत को चुपचाप सुनते भी थे। टीम की मेहनत रंग लाई। टेक्निकल सर्विलांस से टीम को पता चला कि सस्पेक्ट शर्मा भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल के रास्ते देश छोड़कर भागने की फिराक में है। आरोपी व्यक्तियों की तलाश में एक टीम भारत नेपाल सीमा पर गई। टीम ने भारत नेपाल सीमा के पास आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा और रवि कुमार को दबोच लिया। लगातार पूछताछ पर दोनों आरोपियों ने जिम मालिक महेंद्र अग्रवाल की हत्या करने की बात कबूल कर ली। लगातार पूछताछ पर आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा ने खुलासा किया कि उसने लंबे समय तक महेंद्र अग्रवाल के साथ काम किया था और साथ ही अपनी गाड़ी कमाई का 4,75,000 महेंद्र अग्रवाल के व्यवसाय में लगा दिया, लेकिन महेंद्र अग्रवाल लंबे समय से बकाया वेतन और अन्य राशि का भुगतान नहीं कर रहे था। आरोपी ने आगे बताया कि वर्ष 2017 में जब उसने वेतन और अन्य बकाया की मांग की तो महेंद्र अग्रवाल ने कोई ध्यान नहीं दिया। आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा ने गुस्से में आकर महेंद्र अग्रवाल से झगड़ा किया और अपहरण का प्रयास किया। महेंद्र अग्रवाल की शिकायत पर इंद्रवर्धन शर्मा के खिलाफ थाना प्रीत विहार में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद इंद्रवर्धन शर्मा की मां परेशान हो गई और इस सदमे को सहन नहीं कर सकी। इस आघात के कारण मृत्यु हो गई। उसी दिन से आरोपी इंद्रवर्धन शर्मा महेंद्र अग्रवाल से रंजिश रखने लगा था और उसे खत्म करने की योजना बनाने लगा। इंद्रवर्धन शर्मा ने महेंद्र अग्रवाल को मारने के लिए पहले हथियारों की व्यवस्था की, फिर अपने सहयोगियों रवि कुमार और विजय के साथ अपनी योजना पर चर्चा की। उसके दोनों साथी दोस्ती की खातिर तैयार हो गए। घटना के दिन विजय उन्हें कार में बिठा कर महेंद्र अग्रवाल प्रीत विहार इलाके में स्थित जिम तक लेकर गया। इंद्रवर्धन शर्मा और रवि दोनों महेंद्र अग्रवाल के ऑफिस के अंदर गए और अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। उनका साथी विजय बाहर कार में इंतजार कर रहा था। हत्या करने के बाद तीनों वहां से भाग गए और अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस से बचने के लिए आरोपी यूपी और उत्तराखंड के रास्ते नेपाल में घुसने की फिराक में थे। पहला आरोपी 36 वर्षीय इंद्रवर्धन शर्मा बेगमाबाद मोदी नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका जन्म मोदी नगर में हुआ था। इसने 11वीं तक पढ़ाई की है। इसके बाद इसने जिम ट्रेनर के तौर पर काम शुरू किया। दूसरा आरोपी 30 वर्षीय रवि कुमार तोमर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था। यह 8वीं तक पढ़ा है। यह खेती करता था। बाद में यह अपने रिश्तेदार के माध्यम से इंद्रवर्धन शर्मा के संपर्क में आ गया। इसकी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ पहले से ही उत्तर प्रदेश में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरा आरोपी विजय फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार है। क्राइम ब्रांच की कई टीम तीसरे आरोपी को दबोचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क, सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं
रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।